आप इसकी जो है वो तशरीह की तरफ, यानी मैं आपको जो है वो इसको समझाऊंगा। अल्लाह तू ने, अल्लाह तू है रहमत वाला, यानी अल्लाह अज़्ज़ल आप जो है वो रहमत बरसाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ल की जो ज़ात है, अल्लाह की जो ज़ात है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रहीम है। नाम है तेरा बरकत वाला, और अल्लाह अज़्ज़ल आपका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। अच्छा बेटा, बरकत से मैं आपको जो है वो एक चीज़ समझाऊँ कि बरकत है क्या। आपने सुना होगा और दुआ भी जो है वो लोग जो है वो करते हैं, या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे दे। रिस्क में बरकत से मुराद ये नहीं है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाए, या अगर जो है वो आपके पास कोई चीज़ जो है वो 10 किलो है तो वो 20 किलो हो जाए, नहीं, बल्कि जो 10 किलो चीज़ है वही 20 किलो के बराबर हो जाए, तो इसको बरकत कहते हैं। तो इस पॉइंट को जो है हमारा याद रखिएगा, बरकत है क्या। देती है हर चीज़ गवाही, पाठ तेरी ज़ात इलाही, यानी हर हर चीज़ दुनिया में जो है वो गवाही जो है वो देती है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इस दुनिया में मौजूद है। सही ना बेटा, सूरज का मशरिक से रोज़ाना निकल के मगरिब में जो है वो ग़ुरूब होना, और फिर दूसरे दिन दोबारा जो है वो निकलना, और फिर ग़ुरूब जो है वो होना, और हवा का जो है वो चलना। बेटा देखें, कोई भी जो छोटा सा काम है ना वो बगैर किसी चलाने वाले के नहीं चल सकता। आपका घर है ना बेटा, वो भी जो है वो बगैर किसी चलाने वाले के नहीं चल सकता। जो स्कूल है वो भी जो है वो किसी चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकता। कोई जो है वो प्याला है ना, वो भी किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता। जब इतनी इतनी सी चीज़ें हैं बगैर किसी चलाने वाले और बनाने वाले के बगैर नहीं जो है वो हो सकती, तो इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। तो हर चीज़ जो है वो गवाही देती है, यानी सूरज का मशरिक से निकलना ये गवाही है कि अल्लाह एक है और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तू ही मालिक तू ही रब है, यानी हर हर चीज़ का मालिक अल्लाह अज़्ज़ वजल है, हर हर चीज़ का मालिक अल्लाह अज़्ज़ वजल है। तो हमें चाहिए कि हम ये समझें कि दुनिया में हम आए तो हैं, लेकिन हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हमें दुनिया के मालिक नहीं हैं। हमें तो जो है वो एक थोड़े से अरसे के लिए इस दुनिया में जो है वो लाया गया है, हमें तो थोड़े से अरसे के लिए इस दुनिया में जो है वो लाया गया है, और थोड़े अरसे बाद जो है वो हम चले जाएंगे। क्योंकि जो मालिक होता है ना वो हमेशा हमेशा रहने वाला होता है। तो हमारी जो रात है, जो इंसान है, और दुनिया में जितनी भी जो है वो चीज़ें सिवाय खुदा के, उनको जो है वो मरना है, क्योंकि हर हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो हम मालिक नहीं हैं। हाँ, हमने जो है वो थोड़े अरसे के लिए इस दुनिया को संभाला है, इस दुनिया में हम जो है वो आए हैं, लेकिन हमेशा रहेंगे नहीं। तो मालिक कौन है बेटा? मालिक जो है वो अल्लाह है। सही बेटा, तू ही मालिक तू ही रब है, मौलक तेरी शान अजब है, यानी अल्लाह आपकी शान जो है वो सबसे निराली है, सबसे जो है वो अनोखी है। अगर हम जो है वो कंपेयर करें कि अल्लाह अज़्ज़ल जैसा और कोई काम कर सकता है, जो शिर्क कर रहे हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ल की जो जो काम है ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ल रहीम है, जैसे रहमत की बात हुई ना, अल्लाह अज़्ज़ल जो है वो रहीम है, अल्लाह अज़्ज़ल करीम है। अगर हम ये सोचें कि अल्लाह की तो ना कोई और करीम हो सकता है, नहीं भाई, अल्लाह की फिर सिफ्त के अंदर आप शिर्क कर रहे हैं। सही ना, अल्लाह ऐसा कोई करीम है तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की वजह से कोई कहार है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की जो ज़ात है उसमें हमें शिर्क नहीं करना है। मौला तेरी शान अजब है, यानी तेरी शान जो है वो ऐसी है कि किसी और की ऐसी शान हो नहीं सकती, चाहे वो दुनिया का जो है वो कोई भी शख्स हो, उस वो आपकी तरह अल्लाह की वजह हो नहीं सकते। तो ये हमें फ़र्क करना है। चाँद और सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। अगर आप चांद की बात करें कितना खूबसूरत, सूरज कितना खूबसूरत, फूल कितने खूबसूरत, तारे कितने खूबसूरत। तो बेटा कहने का मकसद जो है वो ये है कि इसमें जो है वो अल्लाह अज़्ज़ोजल की कारीगरी है, क्योंकि इंसान ने जिस चीज़ को बनाया उसके अंदर तो नुक्स मौजूद है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ोजल जिस चीज़ को जो है वो बनाया उसमें नुक्स नहीं है। और उसके बावजूद अगर आपकी आँख उस चीज़ के अंदर नुक्स निकाल दे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नुक्स है वो आपकी निगाह का है। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो बनाया। कुरान पाक में भी एक जगह फरमाया गया है, वरत्तिलिल कुरान,
कुरान पाक में भी जो है वो इसके इसके बारे में जो है वो बताया गया है कि हमने जो है वो हर हर चीज़ को बड़े आसान तरीके से बताया, जैसे सूरह तीन व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलग अमीन लक़द खलक़ना इंसान फ़ी आसान तक़वीम, हमने इंसान को भी बड़े आसान तरीके से बनाया और बाकी चीज़ों को भी बड़े आसान तरीके से तूने बनाए, कितने प्यारे हमको सीधी राह दिखाई। अल्लाह अज़्ज़ोजल से हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए, और जब हम नमाज में होते हैं तो भी हम यही दुआ जो है वो करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें सीधी राह पे जो है वो चलाना, ऐसे लोगों की जो है वो रास्ते के ऊपर जिनके ऊपर आपका इनाम नाज़िल हुआ। तो ये हमेशा हम जो है वो दुआ अल्लाह से करते हैं नमाज में, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, ऐसे लोगों के रास्ते पे चलाना या अल्लाह अज़्ज़ोजल जिनके ऊपर जिनको हिदायत जो है मिली, जिनके ऊपर तेरे रहमत का नज़ूल हुआ, हिम्मत देना, इज्जत देना, या अल्लाह अज़्ज़ोजल हिम्मत जो है वो देना। हिम्मत किस चीज़ की देना बेटा, कि जो नेकी का रास्ता है उससे आपको कोई भी जो है रोके, आप उस रास्ते पर जो है वो डटे रहें, ये हिम्मत है। इज्जत देना, और इज्जत उसी इंसान को जो है वो मिलती है जो कि नेकी के रास्ते पे जो है वो चलता है, और वो शख्स जो कि नेकी के रास्ते पे नहीं चलता उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत तो बर्बाद होनी ही होनी है। इल्म की यारब दौलत देना, या अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें जो है वो इल्म की दौलत जो है वो देना, जैसे हम बार बार जो है वो दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये बेटा साकी जावेद ने ये हम जो है वो लिखी है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया। हम बेटा इस नज़म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी खूबियाँ बयान हुई हैं, जवाब दो बेटा, इस नज़म में अल्लाह की ये खूबियाँ बयान की गई हैं। पहला क्या बेटा, रहमत बरकत, और तीसरा क्या बेटा, इलाही, सही ना, अल्लाह की ज़ात इला है, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं बड़ा। सवाल नंबर दो, इस धर्म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र है, देखिए बेटा जवाब क्या होगा, इस धर्म में अल्लाह ताला की इन नेमतों का जिक्र किया गया है, चांद है बेटा, सूरज है, फूल है, और जो है वो तार है। सवाल नंबर तीन, ये तमाम तमाम सवाल बेटा याद करने हैं, सही ना, ये आपके जो है वो टेस्ट अभी जो है वो लिया जाएगा, मिड टर्म टेस्ट, उसमें जो है वो आएंगे 25 मार्क का ये पेपर जो है वो। थर्ड क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने हमें क्या, अल्लाह ताला से हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए, जवाब क्या बेटा, इस कदम में हमें अल्लाह से सीधी राह पर चलने और नेकी की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें सीधे रास्ते पर चला। इसके बाद खाली जगह की तरफ जो है वो आ जाए, खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखें, इल्म की यारब डैश देना, दौलत देना, उसके बाद हम को डैश राह दिखाना, क्या होगा बेटा, सीधी राह दिखाना, देती है हर चीज़ गवाही, तूने बनाए डैश प्यारे, कितने प्यारे, मौला तेरी डैश अजब है, शान अजब है। इसके बाद अगला वाला देखिए बेटा, एक जैसी आवाज वाले अल्फाज के जोड़े बनाए, यानी जिसकी आवाज एक जैसी हो, आवाज एक जैसी होने से बात क्या है, शान आन, दूसरों में क्या है, दूसरे लफ्ज में भी क्या है बेटा, नून जो है वो आया आखिर में, तो ऐसी होती हम आवाज। रहमत तारे चलाना, रब इलाही, रब इलाही, अब देखें इलाही से क्या बन गया बेटा, गवाही, रहमत से क्या बन गया बेटा, बरकत, तारे से क्या बन गया बेटा, प्यारे, रब से जो है वो क्या बन गया, अजब, क्योंकि देखें बेटा रहमत में ते आ रहा है तो बरकत में भी क्या आ रहा है, ते, तारे में ये आ रहा है तो प्यारे में भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, चलाना में नून अली जबर ना आ रहा है तो दिखाने में भी नून अली जबर ना आ रहा है, रब में बे जो है वो आ रहा है तो अजब में भी बे आ रहा है, इलाही में ये आ रहा है तो गवाही में भी ये आ रहा है, सही बेटा, दैट इज द एंड ऑफ द, ये जो है वो आपका चैप्टर अपने जो है वो इख्तिताम के ऊपर जो है वो पहुँचता है, जो जो बताया गया है वो आपको बेटा याद करना है। अस्सलामु अलैकुम।